पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय होली फेस्टिवल में देशी विदेशी पर्यटक जमकर थिरक रहे हैं। रविवार रात पारंपरिक लोक गीतों पर गैर नृत्य के आयोजन में भी खासा उत्साह देखा गया। फेस्टिवल 8 से 17 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें दुनिया भर के कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। दरअसल 2 साल कोविड के कारण फेस्टिवल का आयोजन नहीं किया गया। इस बार हो रहे आयोजन में कला और संस्कृति के रंग रोजाना देखने को मिल रहे हैं। स्थानीय युवाओं के साथ ही पर्यटक भी अपने आप को इसमें शामिल होने से नहीं रोक पा रहे हैं। रविवार को ढोल और चंग की थाप पर स्थानीय युवक व विदेशी पर्यटक जमकर थिरकते नजर आए। वहीं कस्बे के युवाओं ने चंग की धुन पर फाके पारंपरिक लोकगीत गाए। होली उत्सव के दौरान विदेशी सैलानियों की बीते दिनों की अपेक्षा अधिक संख्या देखी जा रही है। वहीं स्थानीय व्यापारियों के चेहरे भी खिले हैं। 2 साल से मंद पड़े पुष्कर के पर्यटन व्यवसाय के लिए पुष्कर होली फेस्टिवल नई उम्मीद जगा रहा है। लबेला होली मंडल के संयोजक आशुतोष शर्मा ने बताया कि 17 मार्च तक राजस्थानी ढोल, सिंधी ढोल, नासिक ढोल वादक अपनी प्रस्तुतियां देंगे। 17 मार्च की रात होलिका दहन किया जाएगा। प्रधान बाराघाट पे जो आयोजित हो रहा है ये लबेला होली मंडल के तत्वाधान में प्रतिवर्ष विगत 40 वर्षों से यहाँ घेर डांडिया का नृत्य का आयोजन किया जाता है। ढोल और चंग के थाप पे और फागुन के जो अपने पारंपरिक गीत है वो भी यहाँ खेले जाते हैं, ये गाए जाते हैं। और इस प्रधान बाराघाट पे जैसे 17 तारीख की होली है पूर्णिमा से की, उस दिन बड़े ही भव्य तरीके से सजा के प्रहलाद पूर्ण पूजन, होली पूजन और होलिका दहन ये कार्यक्रम रहेगा। उसके पश्चात और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारा सुप्रसिद्ध बैंड है उनके द्वारा भी स्वर लहरियाँ यहाँ बिखेरी जाएगी। होली का जो महोत्सव है उसके कपड़ा फाड़ होली खेली जाएगी। कपड़ा फाड़ होली का दुष्प्रचार हो रहा है। हमारे माननीय SP साहब अजमेर श्री कुंवर राष्ट्रदीप जी, उनका जो हमने यहाँ मीटिंग ली थी पुष्कर थाने के अंदर, तो उनका ये सुझाव था मंडल वालों को कि भाई इस तरह से कपड़ा फाड़ होली, तो हमने सबने बोला पूरे मंडल वालों ने कि सर हम भी चाहते हैं कि इस तरह से जो हो गया कार्यक्रम हम भी बंद करना चाहते हैं। उनके सुझाव पे हमने विगत वर्ष उनके टाइम पीरियड में ही कपड़ा फाड़ होली बंद कर दी थी। अभी ये दुष्प्रचार कौन कर रहा है ये पता नहीं, बाकी अभी कपड़ा फाड़ होली का कोई आयोजन नहीं। आपका नाम? मेरा आशुतोष शर्मा, प्रधान बाराघाट। और मैं दूसरा ये भी कहूँगा, जैसे हमारे यहाँ इस पुष्कर होली की वजह से कुछ वर्षों में व्यापार इतना बड़ा है कि रेशा ये है कि 40% टूरिज्म के अंदर व्यापारियों को फ़ायदा हो रहा है। और जो हमारे देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं और दिन प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी गैर नृत्य हुआ, देसी विदेशी सभी डांडिया नृत्य यहाँ प्रधान माराघाट पे खेल रहे हैं। बिजनेस पे फर्क पड़ता है? हाँ, बिजनेस में बहुत बड़ा पड़ा कि जैसा अभी कोरोना काल था तो 2 साल से यहाँ होली हुई नहीं, पूरे जगत के अंदर व्यापार वगैरह बंद था, हमारे यहाँ पुष्कर के अंदर नहीं बंद था। और सभी का ये मानना था कि अगर पुष्कर की होली होगी तो हमारे यहाँ व्यापार निश्चित बढ़ेगा। और ये रेशो पिछले कुछ एक साल का है कि लगातार व्यापार बढ़ता जा रहा है। ऐसा है कि कम से कम 40% व्यापार इस समय एकदम इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और निश्चित डेफिनेटली ये व्यापार अच्छा बढ़ता है और इस होली की वजह से सभी को रोजी मिटकी मिलती है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, व्यवसायी हो जूते वाला हो या ठेले वाला हो रेस्टोरेंट वाला हो, सभी व्यवसाय को कपड़े वाला, जैसे हमारे पुष्कर का फेमस है कपड़ा, यहाँ से कपड़ा है, चांदी है, इनको सबको व्यापार मिलता है। आपका नाम? आशुतोष शर्मा, प्रधान बाराघाट। टाइम 8 राजस्थान के लिए अजमेर से विकास टाक की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमें इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।